Hello people, what's up? Welcome back to Shokadak Reaction. मैं मोहित शाविस. मोहित नायक. डंकी. Yes. क्या याद आता है डंकी से? डंकी. हमने एक पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर याद किया था. That's called डंक. डंक हाँ. ये है डंकी. It's a title announcement. डंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कुछ बोलते हैं उसको. Sting कुछ कहते हैं उसको. It's a title announcement of Shahrukh Khan's upcoming film with राजकुमार हिरानी साहब एंड इनके साथ हैं तापसी पन्नू इसमें. ओके. हुम आई हेट अ लॉट. पता नहीं आई, पसंद नहीं आती. कभी पसंद ही नहीं आई तापसी पन्नू. व्हाई? और उसका मुंह ही नहीं खोलता. बात जब डेली तो मुंह खोलो भाई. गो वॉच श्रीदेवी. देखो सबको देखो कैसे कैसे उन्होंने क्या कैसे कैसे एक्टर्स किए थे. इवन पावरफुल रोल्स की भी अगर बात करें, मैनली जो होता है वो स्ट्रॉन्ग वुमेन पावर्स, उसमें भी शी नेल्ड इट. यहाँ पे इनका मुंह ही नहीं खुलता. पता नहीं. खैर चलो देखते हैं क्या होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन. अगर राजकुमार हिरानी ने अगर चूज़ किया है तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ देखा होगा. उन्होंने करियर्स बनाए हैं. अनुष्का शर्मा तो कुछ शी वॉज ऑलमोस्ट गॉन व्हेन पीके हैपेंड. रणबीर कपूर इन एज संजू, आमिर एज पीके, संजू ऑफ कोर्स एज मुन्ना भाई MBBS. वाह सर, कमाल है सर. मेरे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? सर एक है स्क्रिप्ट मेरे पास. रियली? कॉमेडी है? बहुत है. इमोशन है? वो भी है. है सर, पर ये वाला एक्शन ना बैठ जाएगा. अरे बहुत ही काट लूंगा मैं. गाइस सर आप बोलो तो. नाम क्या है सर? डंकी. डंकी? डंकी नहीं शाहरुख, डंकी. मैं समझा डंकी 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 इन एन एज. मतलब सर डंकी. जिस तरीके की यू नो द प्लेन वेंट फ्रॉम देयर एंड द पीपल वॉकिंग एंड ये रेगिस्तान का टाइप ऑफ थिंग दिख रहा है मुझे. बीच तो नहीं हो सकती है. रेगिस्तान इज नो आइडिया. बट राजकुमार हिरानी ने जो भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा. एक्चुअली जो प्रीवियस मूवी थी राजकुमार हिरानी की संजू, वो संजू उसमें राजकुमार हिरानी का इफेक्ट दिखाई नहीं उसमें. द मेन रीजन बीइंग के संजू बनाई गई थी संजय दत्त की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए. वो तो क्लियर था. और कहीं ना कहीं राजू हिरानी को पता था कि ये मूवी मैं बना रहा हूँ वाइट वॉश इमेज करने के लिए. तो इट जस्ट द वे ही वॉज हिज वे टू थैंक संजय दत्त फॉर एक्चुअली ब्रिंगिंग राजू हिरानी टू द मेन स्ट्रीम. जो था वहाँ से लाने के लिए, उठा के वहाँ पर ऊपर लाने के लिए संजय दत्त का बड़ा बड़ा हाथ था वो थैंक करने के लिए. अदरवाइज पीके हैज़ बीन अमेजिंग मूवी. और राजकुमार हिरानी जो भी करते हैं बहुत एक सेंसिबल डायरेक्टर्स हैं. जैसे कि फॉरगेट थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, नागेश मुन्ना भाई वाज एवरेज, नागेश कुकनूर और राजू हिरानी, ये सब सारे डायरेक्टर्स होते हैं. ये बहुत ही सेंसिबल डायरेक्टर्स में आते हैं. अगर आप बोलते हो कि बॉलीवुड चला गया कुछ नहीं है बोल के, ऐसा कुछ नहीं है. जब तक ये लोग संजय लीला भंसाली, नागेश कुकनूर, अगेन तेलुगु है वो लेकिन प्रेडोमिनेंटली वो हिंदी में करते हैं, और राजू हिरानी हो गए और आपके संजय लीला और देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स नाउ. आशुतोष गावरिक आई थिंक ही इज नॉट कमिंग रेगुलरली बट वो एक अमेजिंग डायरेक्टर भी हैं.
जब तक ये लोग हैं ये इसको ज़िंदा रखेंगे बॉलीवुड को और उसी स्तर पर उसको रिस्पेक्ट ले लाएंगे। डोंट फॉरगेट के बॉलीवुड ने ही इंटरनेशनल रिकग्निशन इंडियन सिनेमा को पहले दी थी। एग्जैक्टली उसके बाद तेलुगु सिनेमा ने किया, सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने इंस्पायर। एंड एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि बॉलीवुड से ही इंस्पायर होती थी हर एक इंडस्ट्री, ठीक है। शोले भी ग्रेटेस्ट मेड मूवी बॉलीवुड में ही है, ये अलग बात है कि बाद में इंस्पायर उन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छा है एज एन इंडियन सिनेमा अगर आ रहे हैं। लेकिन आज हमें आज ये बोलना कि बॉलीवुड इज संक, इट्स सिंकिंग, देयर इज नोवेयर टू सेव इट, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज जब तक ये ऐसे लोग हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है शाहरुख खान ने अपना स्टार्डम छोड़ के कैसे बैग डाल के, वो कैसे राजू राणा के सामने वो हम्बलनेस से खड़े हुए, वो स्टार्डम उन्होंने छोड़ दी वहाँ पे उन्होंने उसकी। एंड जो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, यू नो द स्टेप उन्हें दिखाया, उसके बाद अवॉइड करना है बस, बोलो हाथ बोलते हैं हाथ ही काट लूंगा, क्योंकि आनंद रॉय ने किया था लेकिन अगेन शाहरुख ने अपना वही चार्म वहाँ पे चलाने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं किया। राजू रानी विल डेफिनेटली ब्रिंग शाहरुख अनदर अवतार, एग्जैक्टली वो जो कि लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। बट जहाँ की बात करेंगे, इम्तियाज अली ने जब इनको लेके आए थे वो फिल्म फ्लॉप हुई। कौन सा हवाएं, कौन सा मूवी था यार वो, संजू जब हैरी मेट सेजल हो जाए, या फिर आनंद अलरा ने जब शाहरुख खान को लेके बनाई जीरो, वो भी फ्लॉप हुई। तो इसको लेके मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि जब जब बड़े डायरेक्टर्स के साथ में ये आते हैं तब कुछ ना कुछ वहाँ पे पंगा होता है। नहीं, व्हाट आई थिंक इज शाहरुख खान ने बैक टू बैक फ्लॉप्स दी थी एक साथ, फैन, जीरो, जब हैरी मेट सेजल, बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद चार साल उन्होंने ब्रेक लिया और वो उन्होंने बहुत ही सेलेक्टिव स्क्रिप्ट ली है। उसके बाद अभी उनके हाथ में तीन बड़ी फिल्में हैं, दैट इज़ पठान जो कि पहले आने वाली है अगले साल जनवरी में, उसके बाद राजू हिरानी की, एंड देर इज़ अनदर फिल्म ही इज़ वर्किंग विद तमिल डायरेक्टर एटली। यू रिमेंबर, यू नो एटली, राइट? नो, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ मास्टर, आई थिंक, विजय, तलपति विजय के साथ। वो नयनतारा एक फिल्म आने वाला है शाहरुख खान और नयनतारा, एंड दिस इज़ गोना बी समथिंग वेरी अमेजिंग फिल्म। और ये तीन फिल्में आई थिंक शाहरुख खान ने बहुत वक्त लेके सेलेक्ट की है, सो विच इज़ गोना बी अमेजिंग। या राजू हिरानी जो ये बोल रहे थे कि कुछ इस ऐसा वैसा हो सकता है, दैट कैन हैपन, बट डेफिनेटली राजू हिरानी ने वो एक जिंक्स हुआ है। हाँ, बड़े डायरेक्टर्स के जब हाथ में आते हैं शाहरुख खान, मतलब जो कि मेहनत बहुत ज़्यादा वर्क करके आए हैं वहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे कि राजू हिरानी हुए, तब जाके जब उन डायरेक्टर्स को बहुत बड़ा पैसा मिलता है तब जाके थोड़ा सा। लेकिन अगेन क्या है कि राजू हिरानी ने संजय दत्त को तो हैंडल किया ही है, आनंद अलरा ने किसी बड़े एक्टर को हैंडल किया नहीं था उस टाइम तक, लेकिन जब धनुष को हैंडल किया था, बट लेकिन बॉलीवुड के हिसाब से बड़े एक्टर नहीं थे। हाँ, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो उन्होंने आमिर खान को अच्छे से हैंडल किया है, इनफैक्ट बोला जाए तो आमिर खान ने इनको हैंडल किया है तो वो अलग अलग बात है। बट अगेन विल हैव टू सी, वेट एंड वॉच, बट यस, एक्सपेक्टेशन तो हैं ही, क्योंकि जो सेंसिबल डायरेक्शन होता है उसका, अगर शाहरुख खान वो अपनी स्टारडम को भूलना ही पड़ेगा यहाँ पर शाहरुख खान को। He has to forget his stardom here. He has to forget everything. He has to become a very new version of himself अगर उनको survive करना है. Exactly. अभी तो only that can work. Not only the Shahrukh Khan, no, all the Bollywood actors have to do that. अभी Bollywood को, and मेरे हिसाब से जैसे कि ये बोल रहे थे कि what the Bollywood is finished, and जो कि लोगों के बीच में चल रहा है, and it is not finished for sure. भाई डेफिनेटली हर स्टार की एक एक दो दो फिल्में फ्लॉप हुई हैं रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड में बिकॉज ऑफ द कंटेंट। एंड ऑल्सो ये लास्ट दो साल, चलो कोविड की वजह से कोई इतनी बड़ी फिल्म का आ भी नहीं पाई बिकॉज ऑफ दिस हार्ड टाइम्स, लेकिन बॉलीवुड के पास इतनी बड़ी फिल्में हैं अगले साल जो कि आई थिंक रिकॉर्ड्स डेफिनेटली ब्रेक करने वाले। लाल सिंह चड्ढा इज गोना बी रॉकिंग, लाल सिंह, आमिर खान इज गोना कम बैक विद बैंग बैंग। और आप सोच भी लो, अगर फॉरेस्ट ग्रंप, अगर आपने मूवी अगर आपको पता है एंड इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, अगर आप सोच तो भी हो उसके बारे में, यू गेट गूज बम्स, बिकॉज कि यू वंडर के कैसे कर लिया होगा, नेल किया होगा आमिर खान ने उसकी उस डायरेक्शन को, उस मूवी को, बिकॉज सोचना भी इंडियन कल्चर के हिसाब से, मूवी के हिसाब से डालना तो यू शुड हैव नेल्ड इट। एंड आई एम ऑलरेडी श्योर मेरे एक्सपेक्टेशन को पार करना, क्योंकि 100 लोकेशंस में एक पिक्चर शूट करना नॉट अ स्मॉल थिंग, और किस तरह से उन्होंने किया है, दैट्स ग्रेट। लेट्स सी, खान इज समवन जो कि यू नो डेफिनेटली वो जाने जाते हैं अपने परफेक्शन के वास्ते, लेकिन उन्होंने रिसेंट टाइम्स में उनकी फ्लॉप भी रही है 100 करोड़ की, दैट वाज तलाश। उसके अलावा उन्होंने रिसेंट टाइम में कोई फ्लॉप दी नहीं है। एंड ये आई थिंक इट्स अ पैन इंडिया फिल्म ऑल्सो बिकॉज नागा चैतन्या भी है उसमें, नागार्जुन के बेटे, सो डेफिनेटली गोना बी बिग। उसके अलावा पठान है, नागार्जुन के बेटे हैं क्या, मुझे नहीं पता था अब तक। Samantha's husband, he is Nagarjuna's son. Yeah,
ओके उसके बाद पठान है, टाइगर 3 है, एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ ये फिल्म क्लैश होने वाली है. अभी कौन सी फिल्म आगे बढ़ेगी, कौन सी फिल्म, यू नो अबाउट बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दैट्स गोइंग टू बी नॉनसेंस, रबिश, बट स्टिल आई हैव अ होप विद द डायरेक्टर, बिकॉज अली अब्बा जफर इज अ डायरेक्टर. नहीं, लेट्स सी, दे ऑल विल फेल. सो या वो कॉन्सेप्ट ही क्यों उठाना वो पुराने मूवीज का, छोड़ दो, जो हो गया कल की बात हो गई, खत्म करो, नया कुछ शुरू करो. एंड आई थिंक अक्षय कुमार इज गोइंग विद अ वेरी नेगेटिव थिंग राइट नाउ. उन्होंने एक अपोलॉजी लेटर भी लिया था उसके बाद. आई थिंक अक्षय कुमार की रिसेंट फिल्म में भी बहुत खतरनाक पेटी है. सो लेट्स सी, उसके बाद अभी जो उनकी फिल्म आने वाली है पृथ्वीराज से भी बहुत कम स्कोप है, लेकिन वाईआरएफ है, उसके वाईआरएफ के थ्रू से वो फिल्म आ रही है, तो लेट्स सी. एंड या बॉलीवुड विल कम बैक सून और बहुत अच्छे से दहाड़ने वाली है बॉलीवुड. लेट्स वेट एंड वॉच. दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑन डंकी अनाउंसमेंट. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीक किस पर रिएक्ट करें. ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स मैंने दी है. दिस इज मोहम्मद शाबिज़ सेंडिंग ऑफ.